क्या आपको कानों में अपने ये सदा गूंजती हुई महसूस नहीं होती, ओ अल्लाह मत करे ना दर्द होता है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो उभरती हुई मईशत है, और 2025 में ये इस काबिल होगी कि इसके ऊपर कर्जे तक नहीं होंगे। इंडिया ने दो चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं, ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है। क्योंकि होम ऑफिस से एक स्टेटमेंट हमारे सामने आती है, और वो ये है कि जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है उनको वीजा यूके नहीं देगा। 26 नवंबर 2026 से पहले इंडिया की मईशत खाक हो जाएगी, और 26 नवंबर 2026 से पहले पहले ओके इंडिया की मईशत खाक हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कर्ज फ्री होगा। पाकिस्तान पे एक सिक्के का कर्ज नहीं होगा किसी दुनिया का, ये मेरा वादा है। आप क्या, आप सबसे पहले ये देखें ना कि उन्होंने सऊदीया को तो नहीं बैन किया। सऊदीया मेन तो हम सारे जो रिलीजन फॉलो करते हैं इस्लामिक, हम सऊदीया को फॉलो करते हैं। जरा अपना पड़ोसी मुल्क भारत, उनकी तरजीहात को जरा देखें, जरा वो डिस्कस कर लें जिनकी सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स 200 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी है। फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े इदारों ने भारत में अपने रीजनल दफातर बना लिए। हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात है हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सर, ये ट्रेड किसने बंद की है आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने सर, इमरान खान साहब ने बंद की। हिंदुस्तानियों, तुमने तो इस्लाम की दुश्मनी में यहूदियों से भीख मांग के 3 ट्रिलियन की बनाई ना, अल्लाह ताला ने हमें 7,500 अरब डॉलर के जखायर दिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों मामला कुछ ऐसा है कि यूके की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूके ये बात कर रहा है कि जो पाकिस्तान सही जो दूसरे जो जहाँ से जो रेडिकल लोग निकलते हैं और जो इस्लामिक माइग्रेशन हो रहे हैं यूके के अंदर, आने वाले समय में यूके इन पर प्रतिबंध लगा देगा, यानी कि जो पाकिस्तानी धड़ल्ले से ब्रिटेन के अंदर जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे। अब ये बात जब पाकिस्तान में पहुंची और पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लिया गया तो उनका एक ही जवाब था कि ब्रिटेन के अंदर भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक हिंदू है, इसीलिए वो पाकिस्तानियों को आने से रोकना चाहता है। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खबरों के मुताबिक रिशी सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वो कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या कुछ कंट्रीज के लोगों को यूके में बैन करने जा रहे हैं, जिसकी रीज़न ये बताई जा रही है हेट स्पीच, हेट प्रीचर्स या फिर एक्सट्रीमिज्म, और उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से ना सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन है, हिंदू हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को बैन करना चाहते हैं। पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, उसके बाद यूके के हवाले से खबर है जो कि उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखें, इमेज तो शुरू से लेकर अभी तक तो अच्छा नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे अमाल है, इस तरह के हमारे अमाल है, ठीक हो गया तो, लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक उनका नाम है, उन्होंने ये उन खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो एक दो कंट्रीज हैं जहां से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता कैसा है, क्या यूके वालों का मैच ऑलरेडी कैसा है? ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है, हमें नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं, उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं वो भी कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी ये 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया, अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको एकदम से डीमोबिलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरदान से कहा? बे इंतहा, आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते है ना, ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं, गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है,
हली हरकतें हो रही है, उनका इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या, मतलब कि देखने ताकि देखने वालों को पता चले। हाँ भाई ये देखे, खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की, या कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ावाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकया आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना जी, तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाब दे हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये दो चार वाकया नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पर वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और रियासत क्या बात थी उसके तो फिर हम तो बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया ने दो चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें। ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे। अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं। ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं। अच्छा, लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए, उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ उनका मजहब पहले है, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है, अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है, और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है, इसका क्या मतलब जवाब? अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है तो आपसे मानते हैं कि नहीं? मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता। ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे। यूके का बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव भी इंडिया की जानिब होता जा रहा है, क्या रीजन? ब्रिक्स, अब जैसे पाकिस्तान आज तक अपनी बात नहीं बनवा पाया, हम हमेशा से यूएन आईएमएफ के अंडर ही रहे हैं, तो ब्रिक्स पांचवी बड़ी इकॉनमी बन चुका है जिसको इंडिया लीड कर रहा है, और वो अपनी ही करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं वो, तो आईटी सेक्टर भी जैसे बूम कर रहा है, तो दुनिया तो अपनी प्रॉस्पेरिटी देख रही है, देख रही है कि मजीद इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो इस तरफ उनका इंक्लाइन सब जो है वो इस तरफ साइड पे हो रहा है। ज़बरदस्त, ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ होता जा रहा है, इंडियंस की तरफ होता जा रहा है, चाहे वो वर्कर्स की बात कर ले, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, इंडिया की तरफ झुकाव होता जा रहा है। अब इस्लामिक कंट्रीज की बात कर ले तो इस्लामिक कंट्रीज आपने देखा ही होगा, ये सिर्फ यूके की बात नहीं है बल्कि हम अपने ब्रदर कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज थे जिनको हम अपना भाई मानते हैं, यूएई, सऊदी अरब, उन सब में आपने ये जो न्यू ईयर थी, न्यू ईयर पे देखा ही होगा कि यूएई में पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा था, जितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि वीज़ा जो है पाकिस्तानियों के लिए बड़े स्ट्रिक्टली जो मतलब एक क्राइटेरिया बना दिया गया इस्लामिक कंट्रीज का, यूएई का, क्या कहेंगे आप इसको देखते हैं? पहली बात, ब्रदरली कंट्रीज कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते कि आप देखें ओआईसी बनी, अब सेम प्लेटफॉर्म पे हमें एक ला दिया गया, ये कॉज हुआ हमारा फलस्तीन वाला, क्या किया बाकी ने, क्या हम डेविड के तहत एक्सेप्ट कर लिया, हम तो कर ही नहीं पाए, तो हम तो अभी भी साइड पे ही, हमारा उनसे लेना देना कोई है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका चला रहा है पाकिस्तान, चला रहा है, डीप स्टेट हमें अभी नहीं कहा जाता, हमें कंट्रोल कर रहे हैं, हमें ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो इस वीडियो के अंदर जो बात की गई है, जहाँ पर जो मेन टॉपिक आता है, जो मेन पॉइंट आता है, वो यही है कि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि यूके जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर जो ऋषि सुनक साहब, वो एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तानियों को सिर्फ यही लगता है कि इसी वजह से, केवल ये कि इनको ये वजह दिखाई देती है कि इसी वजह से जो है ना यूके हमको जो है ना वहाँ पर पाकिस्तानियों को और दूसरे जहाँ से जो माइग्रेशन होती है यूके के अंदर उनको रोकना चाहता है। अब इनको इनकी कमी दिखाई नहीं देती है, पूरी दुनिया भर से रिपोर्टें आते हैं, इवन जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो खुद इनसे परेशान है, वो खुद भी इनके कई बार वीज़ा कैंसिल कर चुके हैं, और जो वहाँ से जो गंदी हरकतें करते हैं, दो नंबरी काम करते हैं, उनको बार बार ये लोग वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान भेजते रहते हैं, लेकिन इनको इनकी कमी कभी भी दिखाई नहीं देती है। ये कभी भी ये बात नहीं करते हैं कि हम अगर वहाँ पर जाते हैं, यूके के अंदर जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ की जो सोसाइटी है उस हिसाब से हम रहे
करें, उस हिसाब से वहाँ के जो कल्चर हैं उसको हम अडॉप्ट करें, उनके साथ मिलजुल कर रहे तो उनको कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये बातें कभी नहीं करते हैं, इनको जो दिक्कत आती है ना वो सामने वाले में दिखाई देती, यही वजह है कि पाकिस्तानियों के ये हाल हुए पड़े हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।